You have any idea how many men have wanted me and not gotten me? Granted, some dusties have caught me slipping. But there has never been a single man that I have wanted that I have not gotten, because men, they are cheap and easy. मेरे भाई, तुम कितना भी चालो कि तुम किसी भी लड़की को, सुंदर लड़की को देख के उसके पीछे उसके प्यार में नहीं पड़ोगे, ये असंभव हो जाता है जब तुम किसी सुंदर कन्या को देखते हो, निहारते हो कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिस में, अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। जब भी तुम्हें कोई खूबसूरत सी लड़की दिखती है, अगर उससे तुम्हारी थोड़ी सी बात हो गई तो भाई तुम्हारा दिल ललचाने लगता है, तुम काइंड ऑफ पगलाने लगते हो कि भाई मुझे इस लड़की से और ज्यादा बात करनी है, मुझे इस लड़की के थोड़ा सा क्लोज आना है। और उसी लड़की से जब तुम बहुत ज्यादा अपने एफर्ट मारते हो सेटिंग के लिए, ठीक है भाई, और फिर वहां पे जब तुम चोट खाते हो भाई, ठीक है, फिर तुम मुझसे बोलते हो कि भाई कोई ऐसी वीडियो बनाओ जहां पे आप मुझे ये समझाओ कि मैं अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करूं, कैसे अपने आप को कंट्रोल करूं कि मैं जल्दी किसी के पीछे पगलाऊं नहीं, किसी लड़की के पीछे, ताकि वो लड़की मुझे चोट ना मारे। भाई इस वीडियो पे अपन बात करने वाले हैं, मैं तुम्हें वो तीन चीजें ऐसी बताऊंगा जो तुम अपने आप से पूछोगे, मैं वो तुम्हें बताने वाला हूं, जिसके बाद से भाई तुम पगलाना, तुम किसी के पीछे घूमना, तुम किसी के लिए खुद को चोट मारना बंद कर दोगे मेरे भाई, ठीक है ना। इस वीडियो पे पूरे के पूरे बने रहना, क्योंकि एक एक पॉइंट तुम्हारे लिए, एक एक सिचुएशन तुमसे रिलेटेड है, एक एक बातें तुम्हारी बातों से रिलेटेड है भाई, ठीक है। क्या कर रहे हो, थोड़ा दूर के भागो ना। जब तुझे कोई लड़की कहीं पे दिखती है, ठीक है, जहां पे तू उसको देख के बहुत ज्यादा फैसिनेट हो जाता है, उसको देख के बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको लेके बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है उसके लिए, ऐसी वो कौन सी खूबियां तुझे उसके अंदर दिखती हैं जिस वजह से तुझे लगता है कि भाई मुझे ये चाहिए, भाई मुझे लड़की चाहिए, चाहिए भाई चाहिए, ऐसा क्या तुझे उस लड़की में ऐसा दिखता है भाई? पहली चीज, उसके बाल, उसकी आंख, उसको क्लीन शेव देखना, या उसको तू उसके फिगर से उसको तुझे अच्छी लगने लगी है भाई, उसने जैसे कपड़े पहने उसे तुझे अच्छी लगने लगी है, या वो जिस तरीके से बात करती तुझे अच्छी लगने लगी है, या उसकी आवाज तुझे बहुत मधुर लगती है, कोयल से भी मधुर, वो कौन सी खूबियां हैं जिस वजह से तुझे वो लड़की अच्छी लगती है? क्योंकि दोस्त, यहाँ पे तुम्हारा जो अट्रैक्शन होता है ना, किसी को देख के जो बिल्ड हो जाता है, अंदर से आग से लग जाती है कि भाई इतनी सुंदर है, इतनी अच्छा फिगर है, इतनी मस्त है, इससे तो मुझे बात करनी चाहिए। इस चीज ने ना भाई तुम्हें हर जगह से इतना ठुकवाया है ना भाई, हर जगह से इतना गालियां सुनवाई है ना, इतनी हर जगह से इतना ब्लॉक करवाया ना भाई, कि अब तुम मुझसे बोल रहे हो कि भाई मुझे अपने आप को इन चीजों से कंट्रोल कैसे करूं। भाई यहां पे एक चीज तुझे पता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, तुम ये जो चीजें देख रहे हो ना भाई, तुम्हें भी बहुत अच्छी लग रही है, इतनी सारी चीज तुम सोच रहे हो ना आगे की भाई, कि असली मोटिवेशन तो ये होता है कि जब आप किसी लड़की से प्यार करो, चाहे वो आपसे प्यार ना करे, और तुम उस लड़की के लिए लतोड़े जाओ, तुम उस लड़की से धोखा खाओ, तुम उस लड़की तुम्हें इग्नोर कर दे, और तुम उस दर्द में ना, उस दर्द में रह के, बेवफाई के दर्द में रह के, ठीक है, मेहनत करोगे अपनी जिंदगी में मुकाम हासिल करोगे, वो लड़की को पता चलेगा कि अरे ये लड़का जिसको तुम्हें इतना इग्नोर कर रही थी, ये तो भाई शहंशाह हो चुका है भाई, अब तो मुझे लड़का चाहिए चाहिए। ऐसा पिक्चरों में होता है मेरे भाई, रियल लाइफ में नहीं होता। और इस चक्कर में साले जो तुम ये सोच रहे हो ना, इतना लंगा लंबा चौड़ा, वो इसलिए सोचो कि तुम अभी अभी कैसे कंडीशन में हो जहां पे तुम सारी चीज अफोर्ड कर सकते हो, किसी से लतिया कराना अभी तुम अफोर्ड कर सकते हो, किसी पीछे पगलाना मेरे भाई, लेकिन तू कभी ये सोच रहा है? अभी जो तेरी लाइफ चल रही भाई, तू गेम खेल रहा है, तू खाना खा रहा है, तू अच्छे से सो रहा है, ठीक है भाई, दो से तीन बार खाना खा रहा है, मजे की जिंदगी जी रहा है भाई, मेरी वीडियोस देख रहा है, आशीष द्विवेदी की वीडियोस डेली बैठ के देख रहा है भाई, जब भी वीडियोस आ रही है, ये सारी चीजें फिर तू नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि उस टाइम में तेरी लाइफ इतने ज्यादा इंपैक्ट हो चुकी है कि इस सुंदरता को देखने की वजह से कि भाई तू अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, तुझे कहां जाना है, और तू चोट खाएगा लोगों से भाई। पहली चीज तो ये अपने आप से पूछना, तुझे क्यों सुंदर लगती है। दूसरी चीज, तुझे जो लड़की सुंदर लग रही है, ठीक है, क्या तुझे पता है उस लड़की के बारे में? तो कुछ भी नहीं जानता भाई,
उसका बॉयफ्रेंड पहले कौन था, उसके एक्स कितने थे, या वो अभी किससे बात कर रही है, ठीक है, उसके पीछे कितने झाम हैं, तुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता मेरे भाई कि उसके पीछे कितने दुख हैं, उसके पीछे कितनी खुशी है, उसके पीछे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुझे नहीं पता वो लाइफ में अपने किस फेज से गुजर रही है, तुझे बिल्कुल भी नहीं पता भाई। और तू यहाँ पे पता है क्या काम कर रहा है, जो गधा होता है ना भाई, गधा, उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा ईंटे रख दो लाद के चले जाते हो, वो तुम गधे बन रहे हो भाई, क्योंकि तुम अपने ऊपर उसके सारे दुख दर्द ओढ़ रहे हो भाई जबरदस्ती का। भाई ये क्या कल मंदी है तेरी बे, जो भी उसकी लाइफ में दिक्कत होगी, जो भी उसका एक्स का जाम होगा, वो तेरा जाम हो जाएगा जब तू उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाएगा। जो भी उसकी दिक्कत होगी वो तेरी दिक्कत हो जाएंगी, जब वो तुझसे बात नहीं करेगी तब तेरा दिमाग हिलेगा, जब वो तुझको इग्नोर करेगी तब तो मुझको बोलेगा भाई वीडियो बना दो, जब वो तेरी वैल्यू नहीं करेगी जब तू मुझे बोलेगा भाई वीडियो बनाओ, जब कोई वैल्यू नहीं करेगा क्या करें। तो समझ आ रहा है मैं तुझे क्या कह रहा हूं भाई, वो एक भूल तुझे सुंदर लगी तू उसके पीछे लग गया, इतने झाम तू भी ले रहा है भाई अपनी, आपको इतना तो रिस्क में डाल रहा है मेरे भाई, खुशियों की, अपनी खुशियों की तो आहुतियां दे रहा है, अपनी खुशियों को तू भगा रहा है अपनी लाइफ से भाई, और तू दर्द ले रहा है, सर दर्द ले रहा है, और फिर तू कबीर मूवी देख रहा है।